मैं हूं अंशिका मिश्रा और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि आप अपने वजाइना को प्रेगनेंसी के बाद कैसे टाइट कर सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग को कभी ध्यान ही नहीं देते अपने ऊपर, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर से जुड़ती हुई, अगर आप इसके लिए शर्म लेती रहेंगी, शर्म खाती रहेंगी तो बहुत बेकार है। आपको अपने डॉक्टर से सबसे पहले तो मैं कहूँगी सलाह ले लेनी चाहिए, वो आपको कोई ना कोई ट्यूब ऐसा दे देंगे जो कि आपके प्रेगनेंसी के बाद वजाइना टाइटलीस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कीगल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। कीगल एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर से, आपको अपने प्राइवेट पार्ट से सांस को अंदर खींचना है एकदम, उसके बाद फिर बाहर छोड़ देना है, फिर सांस अंदर खींचनी है फिर बाहर छोड़नी है। ये आपको दिन में 3 या 4 बार बस करनी है, बहुत ज़्यादा बार नहीं करना है। अगर दिन भर में आप 3 या 4 बार भी ये कर लेते हैं कीगल एक्सरसाइज, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। आपको क्या करना है, देखिए सीधे बैठ जाना है, एकदम सीधे स्ट्रेट, उसके बाद स्ट्रेट बैठ के सांस अंदर खींचनी है प्राइवेट पार्ट से ले करके। याद रखिए आपको प्राइवेट पार्ट को भी खींचना है अंदर, अपने प्राइवेट पार्ट को खींचिए अंदर, फिर धीरे से बाहर, फिर अंदर, फिर धीरे से बाहर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है, आपको दिन भर में खाली 4 से 5 मिनट ये करना है। नेक्स्ट, अगर आपका क्या कहते हैं वजाइना टाइटनेस के लिए इसके अलावा आप और जल्दी चाहती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में एक बार, जिस टाइम पे आप नहाने जा रही हूँ उस टाइम पे आप एक बार एलोवेरा यूज़ कर लें। उसके 5 या 10 मिनट पहले आपको एलोवेरा अंदर से निकाल के, चम्मच वगैरह से आप उसका पेस्ट निकाल के हल्का सा अपने वजाइना पर यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके वजह से भी वजाइना टाइटनेस आपका बढ़ जाएगा। लोग अक्सर बात करने में इस मैटर पर बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये सब हमारा कॉमन है, हमारा बॉडी पार्ट है, हम इस पर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गुनाह कर दिया है अगर हम इसके बारे में कुछ पूछ ले रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है। जैसे एक मैन के लिए उसके लिए उसके पार्ट्स कॉमन होते हैं, ऐसे ही हम लोग के लिए हमारे पार्ट्स बहुत कॉमन हैं। अगर हम लोग इस पर हमेशा शर्म खाते रहेंगे तो हमेशा हम प्रॉब्लम्स में से घिरे रहेंगे, चारों तरफ हमारी प्रॉब्लम्स ही हमें दिखेंगी। और ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है जो कि सामने किसी से बात करने में, किसी से व्यवहार करने में इस मैटर पे लोग को बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है। अगर डॉक्टर मैन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वुमेन है तब भी ठीक है। वैसे तो डॉक्टर के सामने बोलने में भी बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है बहुत लोगों को, तो मैं आपको ये 2 चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप इन दोनों चीज़ों को ट्राई करती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। वैसे तो देखिए मार्केट में वजाइना टाइटनेस के लिए बहुत सारी क्रीम आती हैं जो कि बहुत ही महंगी होती हैं, कोई क्रीम मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार से कम की मिलेगी ही नहीं, इससे ज़्यादा की मिलेगी, इससे कम की नहीं मिलेगी। और उनको लगाने के बाद आपका रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको ये भी कन्फर्म नहीं रहता, लेकिन इसके लिए जो मैंने बताया है इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है, बहुत ज़्यादा क्या पैसा ही नहीं खर्चा करना है। अक्सर हमारे इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं उनके घर में एलोवेरा होता ही है, एलोवेरा आराम से आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं तो इसमें तो आपको एकदम पैसा नहीं खर्चा करना है, नॉर्मली आपको सांस अंदर लेना है सांस बाहर लेना है दिन भर में 3 या 4 मिनट बस। दिन भर में अगर आप जितनी ज़्यादा बार कर लें आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। वैसे सबसे ज़्यादा सेफली यही रहता है कि आप बाथरूम जाए तब आप करें, तो आपके लिए हो भी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर मुझसे दोबारा मिलने का मन हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।